बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। ये तो दही बड़े जो है बहुत किस्म के आपने खाए होंगे और बनाए भी होंगे। बेसन के बनते हैं, बटर से भी बनते हैं, माश की दाल से भी बनते हैं, चने की दाल से भी बनते हैं, हर किस्म के बनाए जाते हैं। लेकिन जो रिवायती तरीका है वो है माश की दाल के दही बड़े। माश की दाल के दही बड़े होते हैं वो बहुत ही टेस्टी होते हैं और हमारी नानी दादी जो है वो माश की दाल से ही बनाया करती थी। तो अब जो है हम आपको जो रेसिपी देने जा रहे हैं माश की दाल के दही बड़े हैं और ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही जायकेदार होते हैं। तो अब यहाँ पर जो है हमने माश की दाल जो ली, इसके लिए जो चीज़ें ले रहे हैं हम वो बता रहे हैं आपको। तो ये माश की दाल है, धुली हुई सफ़ेद दाल है, उड़द की दाल भी इसे कहते हैं। इसके अलावा है हमारे पास यहाँ पर ये सेंधा नमक है, चाट मसाला है, ये भुना और कूटा हुआ ज़ीरा है, ये हरी मिर्चें कटी हुई है। अगर आपको चाहिए तो आप डालें, वरना ये ऑप्शनल है। अगर पसंद है खाने में तो आप डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। गार्निशिंग के लिए हम ये लाल मिर्च का यूज़ करेंगे, अभी नहीं मिलाएंगे। और ये लहसुन है जो हम दही बड़ों का जो पानी बनाएंगे, दही बड़े जब पानी में डालेंगे तलने के बाद में, तो ये लहसुन का पानी बनाएंगे और उसमें डालेंगे। इसके लिए दही है, दही में हम शक्कर और नमक डाल के इसको फेंट लेंगे। ये दही गाढ़ी वाली दही है, इसको हम मिक्सर में नहीं घोटेंगे। अगर मिक्सर में डाल दी जाए तो क्या होता है कि वो पतली हो जाती है और अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर ऐसे ही इसको फेंट कर लिया जाए चम्मच से तो ये गाढ़ी गाढ़ी रहती है। तो ये दही हम फेंट लेंगे, उसमें थोड़ा नमक और शक्कर डालेंगे। और अभी ये जो दाल थी हमने इसको 6 घंटा भिगा दिया है, और भिगाने के बाद जो है ये हमारे पास दाल आधा किलो दाल है। ये भिगने के बाद ये दो पानी से हमने धो लिया था, इसको पानी में डुबो के भिगो के रख दिया था, और ये भिगने के बाद ये सॉफ्ट हो गई है। अब इसे हम क्या करते हैं, पीस लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। दिन हमने ये दाल जो है ये बहुत अच्छे से पीस ली है, और ये पानी लिया है हमने, सादा पानी है। इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे और ये पीसा हुआ लहसुन है वो डाल देंगे। ये पानी जो है इसमें हम बाद में बड़े जो है वो तल के मिलाएंगे। एक चम्मच थोड़ा इसमें नमक डाल देते हैं और ये पीसा हुआ लहसुन डालते हैं, इसे बाद में बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये लहसुन वाला पानी हमने बना लिया, लहसुन और नमक डाल के। अभी ये जो आटा है इसमें हम नमक मिलाएंगे। अच्छी तरह से फेंट लेते हैं और फिर आपको दिखा। नमक हमने डाला, अभी ये हम थोड़ी हरी मिर्च डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं और नहीं डालना है तो कोई बात। अभी हम यहाँ पर तलने के लिए ले रहे हैं, तो एक कपड़ा लेंगे और एक कपड़े पे जो है थोड़ा सा पानी लगाएंगे। कोई भी कपड़ा ले लो, रुमाल ले लो, और उस पर फिर ये जो है आटे का एक थोड़ा पोर्शन लेके इस पर रखेंगे और अपने हाथों को ही गीला करके और उस पर ये बड़ा थाप लेंगे, बड़ा बना लेंगे। जैसा आपको चाहिए, जो शेप का चाहिए, राउंड चाहिए, होल चाहिए, जैसे चाहिए आप बना लें उसको। उसके बाद में जो है इस तरह से करके हाथ पे लेना है और ये ऑयल में गर्म ऑयल में फिर पानी लगाना है। इस तरह से हम सारे बड़े बना लेते हैं, फिर आपको नाजरीन ये बड़े जो है बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, जैसे ही ब्राउन करके दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाए और इसको निकाल लेना है। इसको निकाल के और इसका पानी निकाल के, तेल निकाल के, और उसको डायरेक्ट पानी में हम डाल देंगे, जो लहसुन वाला पानी बनाया हमने लहसुन वाला उसमें डाल देंगे। इसमें सोडे का यूज़ नहीं करना है, ना सोडा का बेकिंग सोडा डालना है, ना फ्रूट सॉल्ट वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ नमक और अगर मिर्च डालना है तो मिर्च डालें, और कुछ नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा फूलने के लिए कुछ नहीं डालना है, ऐसे ही फूल जाते हैं और ऐसे ही अच्छे बनते हैं। हम तेल भी ज़्यादा नहीं पीते हैं, बहुत कम तेल ऑयल में ये फ्राई हो गए। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये लहसुन वाला जो पानी रखा है इसमें डाल देंगे। उसको आधा घंटा पौना घंटा भिगा के रखेंगे, सारे तल लेते हैं जब तक, और फिर आपको दिखा देंगे। बड़े जो है इस तरह से हम पानी इसका सब निखार देंगे और एक प्लेट में इसको रखते जाएंगे। इस तरह सारे बड़े हम बना निकाल लेते हैं पानी में से और फिर आपको इसको सजा के दिखाते हैं। ये दही बड़े हमने लहसुन के पानी में से निकाल लिए हैं,
निचोड़ लिए, इसको निचोड़ के मैंने सारा पानी उसका निकाल लिया है। और ये अभी हम इसको दही बड़े के जैसा सजाएंगे दही डाल के। और ये बड़े जो हमने तले थे हमने तल के ऐसे ही निकाल लिए, इसको पानी में नहीं भिगाया है। अगर आपको ये बड़े रखना है एक हफ्ता 15 दिन तो आप इसे जो है ऐसे ही बांध के पैकेट में या एयरटाइट डब्बे में फ्रीजर में रख दें, और फिर जब आपको बनाना है 2 घंटे पहले बाहर निकाल लें और फिर ये सारी चीज़ें मिला के आप दही बड़े तैयार कर सकते हैं। तो ये आपके दही बड़े जो है ख़राब नहीं होंगे और बिल्कुल जैसा ऐसा लगेगा जैसे अभी ही बनाए हैं। और अब हम ये दही बड़े जो है आपको सजा के दिखाते हैं। यहाँ से बड़े ले लेंगे हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर हम ये हमने हरी मिर्ची पुदीना कोथमीर डाल के ये चटनी बनाई है। ये डालेंगे पहले हरी चटनी, उसके बाद इस पर डालेंगे हम ये थोड़ा सा भुना हुआ जीरा। फिर अब इस पर डालेंगे हम ये थोड़ा नमक है, सेंधा नमक, काला नमक भी कहते हैं इसे। और अब इस पर डालेंगे हम ये दही, दही को भी हमने शक्कर नमक डाल के हाथ से ही इसे फेंट लिया। ये हमने इमली गुड़ की चटनी बनाई है, मीठी चटनी, ये अब डालेंगे इस पे। ये मीठी चटनी अब इस पे हम चाट मसाला डालेंगे। फिर से थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर, और हरा धनिया। तो लीजिए नाजरीन, ये हमारे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे दही बड़े तैयार है। आप जो है इसे अपने घर में ज़रूर बनाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखें कि आपको ये दही बड़े पसंद आए या नहीं आए। और आप मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।